हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बनाने वाले हैं आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यह मैंने 3 शिमला मिर्च ली है, 3 टमाटर लिए और 5 छोटे साइज के आलू लिए हैं और 3 छोटे साइज के प्याज लिए हैं। चलो अब इनको कट कर लेते हैं। यहाँ मैंने आलू को छोटे पीस में कट किया है, शिमला मिर्च के बीज निकाल कर उसको भी कट कर लिया है, प्याज और टमाटर को भी बारीक काट लिया है। यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जब हमारा जीरा अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ हमारा जीरा अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 छोटे साइज के प्याज लिए हैं जिनको बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इन्हें अच्छे से हिला लेंगे। 1-2 मिनट तक इनको ऐसे ही पकाते रहें। यहाँ हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ 1-2 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। 1-2 मिनट हो गया है, अब इसके बाद इसमें आलू ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आलू को छोटे छोटे पीस में कट किया है, आप किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। मैंने शिमला मिर्च और आलू का साइज सेम रखा है। अब इन्हें ढक कर रख देंगे और 5 मिनट तक लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे। बीच बीच में इनको 1-2 बार चलाते रहें जिससे हमारे आलू जले नहीं। आलू नीचे चिपक जाते हैं, उसे बीच बीच में ज़रूर चेक करें और जो आलू चिपक गए हैं उसे हटा लें। हमें आलू को पूरा कुक नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ही पकाना है जिससे थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और खाने में अच्छे लगें। यहाँ आलू को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, जो आलू नीचे चिपक गए हैं उनको अच्छे से हटा लें। अब आलू और प्याज दोनों एक साथ पक गए हैं, प्याज का भी कलर चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है क्योंकि टमाटर के अंदर जो रस होता है उसी में इसको पकने देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसके बाद इसमें स्पाइसेज ऐड करेंगे। यहाँ हमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ही ऐड करना है, बाकी मसाले बाद में ऐड करेंगे। यहाँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च हमें बाद में ही ऐड करनी और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इस सब्ज़ी में शिमला मिर्च थोड़ी सी कच्ची ही अच्छी लगती है। अब यहाँ अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। यह मैंने सभी मसाले डाल दिए हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इनको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। 2-3 मिनट के बाद इनको चेक करेंगे, हमारी सब्जी बनकर तैयार है। हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।